नमस्ते बच्चों। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? ई की मात्रा और उसका चिन्ह। तो अभी ई की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द हम देखते हैं। उससे पहले ई की मात्रा किस तरह उसका उच्चारण करते हैं एक बार फिर से देखते हैं। चलो देखो क्या है। तो ई की मात्रा कैसे लगाना है? पहले लेफ्ट साइड में नाइन, फिर क। क्या बन गया? टी। हाँ, ये क्या है? श। श में ई की मात्रा देखो ऐसे। ये क्या बन गया? शी। ये क्या है? य। य में की मात्रा लगाने से ई। छ में ई की मात्रा लगाने से ची। ल में ई की मात्रा लगाने से ली। थ में देखो बच्चों, य और थ में डिफरेंस याद रखना है। देखो य में से सर्कल नहीं होता है, थ में एक छोटा सा सर्कल होता है। ये क्या है? थ। थ में ई की मात्रा कैसे लगानी है? देखो यहाँ पे लाइन टच नहीं होना है। लाइन टच हो गया तो फिर वो य बन जाता है। यहाँ पे लाइन टच नहीं होना है, सर्कल को लाइन टच नहीं करना है। थ हो गया। देखो अभी ये क्या है? ग। घ में ई की मात्रा घी। देखो वैसे ही यहाँ पे ये क्या है? ध। ध में ई की मात्रा कैसे लगाना है? देखो यहाँ पे सर्कल है ना, सर्कल में लाइन टच नहीं होना है। घ और ध, घी धी। व प्लस ई वी। स प्लस ई सी। म प्लस ई मी। न प्लस ई नी। इसी तरह हमने सीखा था ना, तो आपको याद है उसका उच्चारण कैसे करना है? फिर क प्लस ई की। भ प्लस ई भी। यहाँ पे भी देखो लाइन टच नहीं करना है, हमें ऐसे लिखना है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो अभी इसे कुछ हम शब्द बनाते हैं। ई की मात्रा से शुरू होने वाले कुछ शब्द अभी हम सीखेंगे। हमने देखा था ना, ये क्या है? पिता। की ल किल। बी ल बिल। और की र न किरण। जी ज प्लस जी, र प्लस आरा, फ जीरा। देखो ये क्या है? म प्लस ई मी। था, थ प्लस आ था ई मिठाई। ग प्लस गी ला, ल प्लस आ ला स गिलास। की स प्लस आ सा न, क्या है ये? किसान। देखो व प्लस वी, म प्लस आ मा न विमान। वी व प्लस ई वी। का क प्लस आ का स विकास। व प्लस ई वी म
Lovely sun law. Winter law. So press E C. Ta. R. Sita. देखो क्या है पिता को प्लस ई पी त प्लस आता पिता क प्लस ई की ल की ब प्लस ई बी ल बिन क प्लस ई की र ल किरण। आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ के प्रैक्टिस करना है। ज प्लस ई जी र प्लस आरा फ जीरा। देखो मी आपको प्रैक्टिस हो गया तो ऐसे भी बोल सकते हो मी था ई मिठाई। देखो पी ता पिता की ल किल बी ल बिल की रण किरण। ऐसे धीरे से भी पढ़ सकते हो। ज्वाइन करने की भी जरूरत है। जी रा फ जीरा मी था ई मिठाई गी ला स। देखो जब भी ऐसे लाइन होता है ई की मात्रा ऐसे हो तो ई की मात्रा गी ला स गिलास की सा न किसान वी मा न विमा वी का स विकास वी म ला विमला सी ता र सीता। देखो बच्चों अभी इसी में हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। ओके अभी आ की मात्रा में हम गोला लगाएंगे और ई की मात्रा में डैश लगाएंगे। ओके देखो आ की मात्रा में हम क्या करेंगे ऐसे गोला लगाएंगे। ई की मात्रा लेटर्स में हम क्या करेंगे ऐसे नीचे डैश डालेंगे। ओके फॉर आ की मात्रा वर्ड्स वी शुड पुट द सर्कल एंड ई की मात्रा वर्ड्स वी शुड अंडरलाइन। ओके विल सी हियर Now which is this is ई की मात्रा और आ की मात्रा। ये है आ की मात्रा सॉरी ई की मात्रा। ई की मात्रा में हमें क्या करना है अंडरलाइन करना है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है तो प्लस आ ता ता। आ की मात्रा में हमें क्या करना है गोला लगाना है ऐसे गोला लगाना है तो आपको समझ में आ जाएगा ई की मात्रा और आ की मात्रा में। देखो ये क्या है ई की मात्रा। ई की मात्रा में क्या करना है डैश लगाना है। ओके अब ये क्या है ई की मात्रा। ई की मात्रा में क्या करना है डैश और कोई मात्रा है यहाँ पे नहीं है तो नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे क्या है ई की मात्रा तो ई की मात्रा में हमें क्या करना है डैश अंडरलाइन करना है और यहाँ पे कोई मात्रा है नहीं है तो नेक्स्ट ये क्या है ई की मात्रा। ई की मात्रा में हमें क्या करना है डैश करना है। फिर यहाँ पे देखो आ की मात्रा है हाँ र में आ की मात्रा है तो हमें इसे सर्कल करना है। ओके यहाँ पे देखो ई की मात्रा में क्या करना है अंडरलाइन करना है आ की मात्रा में सर्कल लगाना है। ओके यहाँ पे ई की मात्रा में क्या करना है अंडरलाइन करना है। यहाँ पे आपकी मात्रा है हाँ है। देखो क्या करना है सर्कल लगाना है। इसकी मात्रा अंडरलाइन करना है। यहाँ पे देखो आपकी मात्रा है सर्कल लगाना है तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी मात्रा वाले अक्षर कौन से है आपकी मात्रा कौन सा है। देखो यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपकी मात्रा है सर्कल लगाना है। इसकी मात्रा में अंडरलाइन करो आपकी मात्रा को सर्कल लगाओ। ई की मात्रा अंडरलाइन करो। यहाँ पे आपकी मात्रा कहाँ है लो मैं लिखूँ आपकी मात्रा तो आपकी मात्रा को उसे सर्कल कर सकते हो। ई की मात्रा में अंडरलाइन करो आपकी मात्रा में सर्कल लगाओ। ओके आप ऐसे घर में प्रैक्टिस कर सकते हो या कलर पेंसिल लेके कलर पेंसिल में ई की मात्रा में ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो आपकी मात्रा में रेड से कर सकते हो। ऐसे करके हम नए नए एक्टिविटीज कुछ और देखते हैं। चलो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ शब्द है इसमें हमें अभी ई की मात्रा लगाना है।
ओके अभी देखो यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द अक्षर है, उन अक्षर में उस अक्षर पर हमें ई की मात्रा लगाना है। देखो पहले वाला यहाँ पे किया है ना पिन, ओके प में ई की मात्रा। यहाँ पे देखो रंगीन अक्षर कौन सा है, ल, ल में ई की मात्रा लगाना है। लिख, ओके यहाँ पे स रंगीन अक्षर है, स में ई की मात्रा लगाना है। सिर, देखो क्या हो गया सिर। यहाँ पे देखो च कौन सा रंगीन अक्षर है, च है, च में ई की मात्रा लगाना है। चित्र, यहाँ पे देखो र, र तो ब्लैक कलर का है तो हमें नहीं, यहाँ पे व में हमें ई की मात्रा लगाना है। क्या बन गया रवि। देखो पिन, लिख, सिर, चित्र, रवि। यहाँ पे देखो यहाँ पे व में हमें ई की मात्रा लगाना है, यहाँ पे गैप भी है और रंगीन अक्षर, उसे पहले हमें ई की मात्रा लगाना है। हमने सीखा था ना ई की मात्रा कैसे लगाना है, लेफ्ट साइड में हमें एक लाइन डाल के एक कर्व डालना है। देखो यहाँ पे क्या बन गया सविता। यहाँ पे देखो द री या दरिया, यहाँ पे त की या तकिया, यहाँ पे देखो प ही या पहिया। देखो कविता, सविता, दरिया, तकिया, पहिया। यहाँ पे देखो रंगीन अक्षर यहाँ पे है ना, ई की मात्रा लगाना है। गिलास, यहाँ पे देखो जिराफ, तिनका, चीडिया। देखो ई की मात्रा ऐसे लगाते जाना है, ओके चीडिया, और बोल बोल के लिखना है। विशाल, ये सब हमने पढ़ा था ना, ये सब शब्द, गिलास, जिराफ, तिनका, चीडिया, विशाल। देखो यहाँ पे किश, मिश, ओके नारियल, झिल मिल, झिल मिल, पिक निक, पिकनिक। देखो किशमिश, नारियल, झिलमिल, पिकनिक। समझ में आ गया ना, जहाँ पे रंगीन अक्षर है वहाँ पे आपको क्या करना है, ई की मात्रा लगाना है। समझ में आ गया ना बच्चों ये मेन। अभी नेक्स्ट मेन देखो, ई की मात्रा मात्रा वाले शब्दों के नाम चुनकर लिखो। यहाँ पे कुछ मिक्स हुए हुए शब्द है, ओके इसमें ई की मात्रा वाले कौन सी शब्द है आपको देख के यहाँ पे लिखना है। देखो लहर, लहर में ई की मात्रा है, नहीं है तो छोड़ दो। गिलास, देखो गी, ग प्लस ई, ई की मात्रा है ना, तो हमें यहाँ पे गिलास लिखना है। बादल में ई की मात्रा है, नहीं है तो छोड़ देना। किरण, देखो किरण में ई की मात्रा है तो हमें यहाँ पे किरण लिखना है, ओके यहाँ पे देखो गिटार है ना, ई की मात्रा यहाँ पे गिटार, ओके और यहाँ पे देखो टमाटर है, ई की मात्रा नहीं, कान नहीं है। रविवार, देखो रविवार में है, र वी वार, रविवार। समझ में आ गया ना बच्चों, इसमें इस बॉक्स में जो भी ई की मात्रा वाले शब्द हैं उसे हमें चुनकर लिखना है यहाँ पे। समझ में आ गया ना, तो अभी अगला मेन देखते हैं बच्चों। देखो अभी नेक्स्ट में नए शब्द बनाना है, ये तो हमें पता है ना, दो शब्द यहाँ पे जो अक्षर है उसे मिला के नया शब्द बनाना है, ओके अभी पहले हमने बिना मात्रा वाले शब्द में सीखा था, अभी मात्रा है। देखो यहाँ पे ये क्या है, म प्लस ई, मी, मी प्लस, यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है इस अक्षर को और इसे दोनों को ज्वाइन करना है, तो क्या बन गया यहाँ पे क्या है, ला, मी ला, मी ला। यहाँ पे देखो खी, खी ला, खिला, ओके ऐसे हमें जोड़कर लिखना है। पी ला, ओके की ला, कीला। समझ में आ गया ना बच्चों, ऐसे ये तो आपको अच्छे तरह से पता है, जोड़कर लिखना है। देखो यहाँ पे दी न, दिन, पी न, पिन, की न, किन,
बी न बिन। समझ में आ गया ना बच्चों कैसे हमें जोड़कर लिखना है? हाँ ठीक है, तो हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।